राम राम भाई, सभी को दोबारा से आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ में। भाई 2-3 दिनों से आप लोगों को पता होगा भाई, मतलब वॉइस ओवर वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यार, क्योंकि जो माइक जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है यार। तो विदाउट वॉइस ओवर की भी कभी कभी वीडियो देख लिया करो। एंड देखो, यहाँ पर उतरे थे मेरे साथ में 2 से 3 बंदे, आई थिंक एक पूरी स्क्वाड ही उतरी थी, लेकिन भाई तुम्हारा भाई मैनेज, भाई पूरा आई थिंक मैनेजर है, इन सबको मैनेज कर सकता हूँ मैं इजिली। अब सामने वाले बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, बट मैंने उसको हेडशॉट के साथ में डाउन कर दिया। एंड पीछे की साइड में एक और बंदा आ गया भाई, लेकिन भाई उस बंदे ने क्या डैमेज दिया भाई मुझे, लेकिन लिटरली यहाँ पे मैंने इस बंदे को भी नॉक कर दिया। बट भाई इस बंदे ने मेरा सोना कैरेक्टर ऑन कर दिया था, बट इसके टीममेट्स इधर ही थे, तो मैं इसको चाहता था कि जल्द से जल्द इसको पहले फिनिश कर दूँ ताकि इसका किल मेरे को मिल सके। लेकिन पीछे से भी एक और बंदा आ गया, बट देखो वो बंदा दूर से मार रहा था मुझे, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया फायदा था कि वो बंदा दोबारा से मेरे पास में नहीं आएगा। बट जो दूसरा बंदा सामने की तरफ था मेरे पास में, जिसको बंदे को मैंने नॉक किया था, ये देखो ऊपर आ गया बंदा। एंड ये बंदी थी भाई, बंदा नहीं था, अब ये बंदा डायरेक्टली ऊपर जा रहा है भाई, तेरे पीछे ही हूँ यार मैं। अब इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, एंड इसको यहाँ पे नॉक भी, मतलब नॉक फिनिश दोनों ही कर दिया। एंड यहाँ पर देखो पीछे की साइड में एक और बंदा था, लेकिन इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। एंड यहाँ पे इसी के साथ में मेरे 4 किल तो ऐसे ही कन्फर्म हो चुके थे, तो इस बंदे को मैंने यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। लेकिन फिनिश करने से पहले फिनिश हो गया, डूब के मर गया भाई ये। चुल्लू पर पानी में तो नहीं मरोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी में डूब के मर गया बंदा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, अभी भी जो है ऊपर की साइड में बहुत सारे बंदे फाइट ले रहे थे, लेकिन मेरे को चाहिए थे किल, जो कि आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड को फिनिश कर दिया था। बट देखो यहाँ पर वो बंदा, लास्ट वाला बंदा नॉक हुआ था, इसलिए सामने इसके टीममेट्स फाइट ले रहे थे, बट यहाँ पे एक बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। अब पता नहीं इसकी पूरी स्क्वाड फिनिश हो गई या ये बंदा भी सोलो से स्क्वाड खेल रहा था, और यहाँ पे एक बंदा लूट करने के लिए आया, उसको मैंने फिनिश कर दिया बॉडी बॉडी से। इसी के साथ में हमारे वहाँ पे 6 किलो गए, लेकिन एक चीज़ और थी कि वहाँ पे एक बंदा और है, बट भाई उस बंदे को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये बंदा चला गया तो ये शायद अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दे देगा। जो जो बंदे यहाँ पे अगर फिनिश हुए हैं, अगर वो इसके टीममेट हुए तो वो उसको रिवाइव कर देगा, और अगर नहीं कर पाया तो भाई मज़ा आ जाएगा। बट देखो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किल्स से मतलब है, क्योंकि मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, एंड यहाँ पे वो बंदा बाहर नहीं निकल रहा था। अब मैंने तय कर लिया कि भाई मैं उस बंदे के पास डायरेक्टली जाके रेस्ट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे खड़े रहने का, मारो ही तो होगा। वैसे भी माइनस तो लगेगी नहीं, क्योंकि मैंने एक कसम खाई है कि मैं जो है रैंक सीजन आने तक विदाउट रैंक वाले मैच में रैंक पुश करूँगा, मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड की, और फिर रैंक वाले मैचेस में यार, मतलब रैंक पुश आने के बाद में, रैंक सीजन आने के बाद में हम लोग जो है रैंक पुश करेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अब यहाँ पे इस बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन भाई ये बंदा गायब हो गया, बट ऊपर से उस बंदे ने कर दिया लॉन्चर, बट डायरेक्टली उसी बंदे को खुद का डैमेज पड़ गया, इसलिए वो बंदा भाग रहा था यहाँ से। देखो इधर की साइड जा रहा है यार ये। अब इस बंदे को क्या पता था कि मैं इसके पीछे आ चुका हूँ, लेकिन मैंने इस बंदे को डैमेज दे दिया था थोड़ा बहुत, पहले भी दिया था शायद, मैं पता नहीं दिया था या नहीं दिया था मैंने, बट यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। एंड इसके पास में मुझे अच्छी खासी लूट मिली, ऐसी बात नहीं है कि इसके पास मुझे लूट नहीं मिली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बंदे नहीं मिलते भाई, बहुत देर ढूंढने के बाद में मुझे बंदे नहीं मिलते यहाँ पे। थोड़ी देर बाद में मुझे यहाँ पे जो एक सुपर एयरड्रॉप लूटता हुआ बंदा मिलता है, लेकिन भाई ये बंदा डायरेक्टली यूं ही लूट रहा था भाई, मैंने इसको ऐसे नॉक फिनिश कर दिया। बट ये बंदा अकेला नहीं था भाई यहाँ पर, इसके साथ और सारे, बहुत सारे बंदे थे भाई, और सारे नहीं बहुत सारे बंदे थे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस बंदे को सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है। अब इसको दूसरे साइड से पड़ रही थी, लेकिन उस बंदे के पास सोना कैरेक्टर थे भाई। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इस बंदे को मैं नेट फेंकता हूँ, लेकिन भाई वो नेट छोटा पड़ जाता है भाई जाने में, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे वो मतलब रह जाता है ब्लास्ट होके। वहाँ पे एक बंदा उतरा, उसको मैंने बॉडी नॉक से फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है, वो जो बंदा था सामने वाला, इस बंदे को फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को जाना था क्लॉक टावर पे, एंड क्लॉक टावर पे जाने के लिए मुझे इस बंदे को फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये बंदा किसी और बंदे से फाइट लेता तो मैं इसको ईजिली पीछे से जाके फिनिश कर देता, जो कि मैंने किया भी। अब देखो यहाँ पर जो बंदा था, मेरे पास एक सुपर एयरड्रॉप में से मेरे को जो है लॉन्चर मिला था छोटा वाला, तो भाई देखो मज़ा तो आने वाला था, क्योंकि मैं डायरेक्टली भी जा सकता था, लेकिन मेरे को क्या है इस बंदे को दिमाग से मारना है, समझ रहे हो ना तुम लोग, दिमाग लगा के मारना है। अब मैं इस बंदे को सरप्राइजली मारना चाहता था कि भाई इसको कैसे करके एक बार सरप्राइजली फिनिश कर दे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं पिछले वाले जो पीछे एयरड्रॉप आया उसको पूरा लूट के नहीं गया था मैं। अब यहाँ पे बंदा एक दूसरे को मतलब पेटियों को लूटे जा रहा था, अब पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पर, लूट रहा भी था नहीं लूट रहा था, लेकिन ये अब गया भाई अपनी जगह से अब ये निकला बंदा, और डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए। लेकिन भाई मेरे पास था छोटा लॉन्चर, मैंने सर्च किया एंड छोटा लॉन्चर यहाँ पे ला करके मैंने लगा दिया। एंड लगाने के बाद में मैं डायरेक्टली गया वहाँ पे जहाँ पे वेटिंग मशीन होती है, डायरेक्टली उस वाले घर के ऊपर जाके मैं चढ़ गया।
अरे भाई लिटरली यार इस वाले बंदे को मैंने क्या सरप्राइज दिया था भाई। यहाँ पे एक बंदा कैम्प करके बैठा था भाई। देखो कैसे भी ना कभी भी ऐसे मत जाया करो, डायरेक्टली चले जाते हो तुम लोग। ये बंदा देखो भाई, मतलब ये बंदा ऐसे सोच रहा होगा यार मैं तो यहीं पे निगरानी कर रहा था, लेकिन ये बंदा कहाँ पे आ गया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत और प्रोटेस्ट आ रहे थे, लेकिन नीचे वाला बंदा सतर्क हो चुका था। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर जो अपनी शॉट गन है उनमें तो साइलेंसर लगता नहीं है, और नीचे वाले बंदे के पास चला गया होगा मेरा एम। अब भाई मेरे पास तो एक ही तरीका था उन बंदों को फिनिश करने के लिए। सबसे पहले मैं नीचे कूद गया, एंड यहाँ पे नीचे कूदने के बाद में भाई ज़्यादा ही नीचे कूद गया भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बंदा जो इधर है शायद इसने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया था, बट यहाँ पे रिवाइव तो दिया ही था लेकिन इसका टीममेट डायरेक्टली मेरे पास आ गया भाई। अब इसको मैंने गैजअप करके बॉडी नॉक करके ये बंदा इधर आ गया, लेकिन फिर भी बच गया। अब मैंने ओरियन यूज़ कर दिया, बेचारा ओरियन से ही नॉक हो गया भाई। मेरे को तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी है कि बंदा ओरियन से नॉक हो गया भाई। ओरियन को 50-60 का डैमेज पड़ता ना, ये बंदा ऐसे फिनिश होता था। लेकिन ये बंदा देखो भाई इसका टीममेट कुछ ज़्यादा ही कर रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे जाते जाते फिनिश कर दिया। इसी के साथ में मेरे 12 किल यहाँ पे कन्फर्म हो गए। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, मेन चीज़ थी कि अब भी लास्ट जोन बता था, लेकिन इस वाले मैच में मैं एंड तक नहीं टिक पाया था। अगर एंड तक मैं टिक पाता इस वाले मैच में तो भाई मज़ा अलग आया था भाई। लेकिन यहाँ पे मैं इसके बाद में एक किल और कर पाता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।